रखे थे कि यहाँ पे एंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाबा कोई रोक सकते हैं क्या? कोई किसी को कुछ कहने से नहीं होता है, बाबा तो आए। वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। सो दोस्तों, अभी हैं पटना के नौबतपुर में, जहाँ बाबा दरबार लगा हुआ है, यानी कथा चल रहा है हनुमान चालीसा का। तो आज है 14 तारीख और फाइनली आज दूसरा दिन है बाबा का कथा। तो ये जो देख रहे हैं त्रेत्र पाली मठ मंदिर सामने दिख रहा होगा, थोड़ा सा मंदिर दिखाओ भाई। बहुत हाइट है मंदिर का, देख सकते हैं बहुत मंदिर का हाइट है। और तो चलिए, आज का ब्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आप लोग को आज का बाबा का, बागेश्वर बाबा का लाइव कथा दिखाने का प्रयास रहेगा मेरा, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग को। और हमारे साथ एक भैया जुटे हैं, तो उनसे बात कर पहले बताइए कैसे हैं भैया। बिल्कुल ठीक है। कहाँ से हैं? हम झारखंड गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट से। नाम आपका क्या हुआ भैया? नाम अजीत कुमार मंडल। तो बाबा से मिलने के लिए आए तो अभी तक मिल पाए कि नहीं? नहीं, अभी तक तो साक्षात दर्शन नहीं हुआ है बाबा से। तो आज उम्मीद है कि मतलब बाबा से आप दर्शन कर पाएंगे? हाँ, आज तो बिल्कुल करेंगे दर्शन। पूरा एक्साइटेड है? बिल्कुल। अच्छा, बाबा के आने से मतलब यहाँ पे एंट्री नहीं दे रहा था, कुछ लोगों का कहना है कि बाबा का एंट्री मतलब बहुत सारे न्यूज में देखे थे कि यहाँ पे एंट्री नहीं दिया जाएगा, लेकिन बाबा हम कल देखे फाइनली पहुँचे हैं। तो क्या कहना चाहते हैं? बाबा को कोई रोक सकते हैं क्या? कोई किसी को कुछ कहने से नहीं होता है, बाबा तो आए। करने वाले थे विरोध, लेकिन फिर भी आए कि नहीं पटना? जी जरूर आए। तो चलिए, बाबा इसी तरह आते रहेंगे जाते रहेंगे, किसी बोलने से कोई कुछ नहीं होता। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा भैया जी से बात करके। और भी हम बहुत सारे यहाँ का जो भी श्रद्धालु उनसे भी बात करेंगे। और ये जो त्रेत्र मंत्र वाला जो देख रहे ना मंदिर, बहुत हाइट है, देख सकते हैं। और यहाँ पे लगभग सुबह से पूजा सब लोग कर रहे हैं, देख सकते हैं अभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। तो चलिए लेकर के चल रहे हैं, यहाँ पे बागेश्वर बाबा का कथा स्टार्ट होता है, 4 बजे से स्टार्ट होता है, अभी 4 नहीं बजा है, कुछ टाइम अभी बाकी है। तो चलिए लेकर के चल रहे हैं, आप लोग को लाइव दिखाएंगे वहाँ का कथा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहेगा एंड तक, तभी देख पाइएगा आप लोग को लाइव कथा, देख पाइएगा बागेश्वर बाबा का। देख सकते हैं ये रहा त्रेत्रपाली मंदिर, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लुक में बनाया गया, बहुत सुंदर। और हाइट भी देख सकते कितना। तो चलिए इस तरह से हम लेकर के चल रहे आधे सीधा पंडाल के तरफ, और दिखाएंगे आप लोग को बाबा बागेश्वर का आज हनुमान चालीसा का कथा होने वाला है। ओ, आज दूसरा दिन होने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो वहाँ पर लाइव दिखाएंगे हम, और लेकर के चल रहे सीधा पंडाल की तरफ। और भीड़ देख सकते हैं आज का, कल से ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ है। कल तो थोड़ा सा नॉर्मल था, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो फाइनली गाइस हम आ गए हैं पंडाल के करीब, और देख सकते हैं आज का जो पंडाल में देख सकते हैं भीड़ कितना ज़्यादा सैलाब लग रहा है, कल से बहुत ज़्यादा भीड़ है। और अभी कथा स्टार्ट नहीं हुआ है तो भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भीड़ देखने के लिए हमें मिल रहा है, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा भीड़ है गाइस, कुछ कमी नहीं हो रहा है। और अगर कथा स्टार्ट होगा तो कितना भीड़ होगा तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। यहाँ से तो हमें पंडाल भी दिख नहीं रहा बाबा का। तो चलिए कथा होता है तो आप लोग को दिखाने प्रयास रहेगा मेरा फुल, अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है इधर, फुल हो गया पूरा, खचा खच भरा हुआ है।